हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ नीलाक्षी कलिता और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है YN कंटेंट फैक्ट्री में। तो गाइस, आज अचानक से हमारा प्लान बना कि हम थोड़ा स्ट्रीट फूड ट्राई करने के लिए जाए, एक ऐसी जगह जाए जहाँ हम पहले नहीं गए, एटलीस्ट मैं तो नहीं गई मुंबई आने के बाद। तो हम आज जाएंगे खाओ गली, जहाँ पे सब कुछ, जितनी भी स्ट्रीट फूड है जो हमें खाने का मन करता है, जो भी वैरायटी ऑफ फूड्स है वो एक ही रूफ के अंदर मिलता है आपको। तो हम भी वहाँ पे आज पहली बार जाएंगे, ट्राई करेंगे सब कुछ, और हमने सोचा है कि आप सबको भी अपने साथ लेके जाए। तो वहाँ पे जाने के बाद आपको पता चलेगा कि हम कहाँ आए हैं, और आप लोग मुंबई में हैं या यहाँ पे आने वाले हैं तो वो जगह कैसी है, वहाँ पे क्या क्या ट्राई करना चाहिए, सब कुछ आज हम ट्राई करेंगे और आप सबको दिखाएंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप सबके साथ। तो अभी जाते हैं, चलिए। अरे रुको, मैं भी तो हूँ, मुझे कौन इंट्रोड्यूस करेगा। खाने का नाम सुनके मैं इसको भूल गई। वाह, ये अच्छा है, मतलब आज मैंने तुमको इंट्रो करने के लिए दिया गाइस कि आज तुम वीडियो की शुरुआत करो, तो वो मुझे भूल ही गई कि यश भी है, ये मतलब मुझे इंट्रोड्यूस ही नहीं करेगी, ऐसे अकेली जाओगी। तुम्हारा चैनल है, इंट्रोड्यूस थोड़ी करवाना पड़ता है ना। अरे बट जनरली इंट्रोडक्शन मैं करवाता हूँ, आज मैंने कहा कि आज तुम कर ले लो इंट्रो, तो वो मुझे ही भूल गई। वाह, अच्छा है। एनीवेज, तो यस, चलिए जाते हैं हम, हमको जहाँ पे जाना है। एंड हमको मतलब ऐसे ना बहुत क्रेविंग हो रही है आज की कुछ ऐसे स्ट्रीट फूड ट्राई करें, और आपको भी, हमने स्ट्रीट फूड व्लॉग हमारा कुछ हुआ नहीं है ऐसे ऑफिशियली, तो जब भी हम कुछ जाते तो बाहर खा लेते हैं थोड़ा बहुत दिखा, हाँ, बट हमको आज ऐसे कुछ यूनिक खाने की इच्छा है, और जो मतलब वैरायटी होती है ना स्ट्रीट फूड की, हमको वो ट्राई करने की इच्छा है। तो यस, चलिए जाते हैं। हम आ गए हैं फाइनली जहाँ हमें आना था, एंड बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे, आप पीछे देख सकते हो, पीछे भी है, वहाँ पे भी है। हमको समझ में नहीं आ रहा कि क्या खाए और क्या नहीं, क्या से शुरू करें बेसिकली। चलिए फिर भी देखते हैं, कुछ तो खाते हैं एंड आज के खाने के प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, आपने देखा, तो बहुत विचार विमर्श के बाद हमने डिसाइड किया है कि हम शुरू करेंगे सैंडविच से, क्योंकि बहुत कुछ है पर पहले हमारा पेट ना भर जाए ज़्यादा, तो इसलिए अभी हम सैंडविच खाएंगे। देखिए भैया बना रहे सैंडविच। भैया भैया, आपका बेस्ट सेलिंग कौन सा है सैंडविच? बेस्ट है सभी सैंडविच। और कितने से शुरू होता है, मतलब प्राइस कितने? 35 से। 35 से सादा सैंडविच से, 35 बेस्ट सैंडविच से, उसके बाद 150-160 तक है। सारे वेज है? सब वेज है, नॉन वेज कुछ भी नहीं है, पूरा वेज ही होटल है। और आप कितने टाइम से मतलब यहाँ पे? ये बहुत जुना हो गया, ये होटल से पहले से सब बंद है। ठीक है, तो गाइस अभी हम खाएंगे हमारा सैंडविच, वो बन रहा है, बनने के बाद हम आपको दिखाएंगे। आ गया है, क्या ऐसी खाओगी? इतना टेम्पटिंग लग रहा है, देखिए चटनी, चटनी दो चटनी। तो यस गाइस, चलिए अभी ये सैंडविच एंजॉय करते हैं। एंड फिर हमें प्यास लग गई, इसके लिए हमने बॉटल ली पानी की, एंड मुझे ना आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा था, इसके लिए फिर मैंने एक वैनिला का कप ले लिया। एंड फिर इसके बाद मैंने और नीलाक्षी ने खाई यहाँ की स्पेशलिटी जो था मसाला वड़ा पाव, बहुत अच्छा लगा हम दोनों को। आई मीन जस्ट लुक एट इट, बहुत ही अच्छा था, जितना ही आपको देखने में अच्छा लग रहा है उतना ही हमको खा के अच्छा लगा था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। एंड ये कुछ यूनिक था जो मैंने पहली बार खाया, जो मसाला पाव और वड़ा पाव का एक फ्यूजन था, बट सीरियसली गाइज माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा था। कैसा है, हाउ इज़ द टेस्ट? ये देखो पचका, इसका ये यश ने गिरा दिया नीचे।
अभी क्या करे? मैंने नहीं गिराया अभी इस पानी की बोतल को, क्या नाम दूँ? मैंने खाने मैंने जानबूझ के नहीं गिराया, मतलब गलती से गिरा, मेरे वड़ा पाव था खाने में इतने ये थे, अभी मैं जानबूझ के मैंने नहीं गिराया, गलती से गिरा। तो अभी इसका क्या करे? ये देखो नीचे सैंडविच और वड़ा पाव खाने के बाद अब हम आ गए हैं थोड़ा सा कुछ पीने के लिए, बिकॉज बहुत खा लिया हमने, अभी थोड़ा सा मतलब कुछ पीते हैं। अभी हम पियेंगे कोई मिल्क शेक, हमें समझ नहीं आ रहा कौन सा मिल्क शेक पे, इतने सारी वैरायटी है यहाँ पे, ओरियो ब्लॉसम है, डार्क फैंटेसी, बहुत कुछ है, तो हम देखते हैं कौन सा अभी पियेंगे। चलिए हम चूज़ करते हैं कौन सा पीना है। हाँ उनको पूछते हैं, आपका कौन सा मिल्क शेक सबसे अच्छा होता है? ब्राउनी ब्लॉसम। और कौन कौन से हैं आपके? डार्क फैंटेसी है, ओरियो है, किटकैट है। और जूसेस? जूसेस मौसमी पाइनएप्पल ऑरेंज, कीवी ड्रैगन। आपका आपका बेस्ट सेलर कौन सा है जूस? ब्राउनी है। तो ब्राउनी पिए, इनका बेस्ट सेलर है तो ठीक है, ब्राउनी पीते हैं। ये बॉटल लावारिस बॉटल, इसका जो साथी है, इसका कैप वो हमने फेंक दिया क्योंकि वो नीचे गिर गया था, गिर गया वो, गिर गया, उसके बाद हमने फेंक दिया। अभी इसको मतलब गिरा हुआ कैसे ये करे, गिरी हुई बोतल से पानी पियोगे तो मिला, पानी तो चाहिए होगा ना, इतना सब कुछ खा रहे हैं, ऐसे इसे ऐसे रख के जाएंगे हम। कैसा लग रहा है तुम्हें नीलाक्षी? ये इसको झापड़े मार रहा है यहाँ से, इसका ये देखो ये जो है पोस्टर, ये इसको झापड़ मार रहा है कब से। सब उड़ जाएगा लिलाखी, मिल्कशेक पीने से पहले तुम्हारा मुंह मिल्कशेक मिल्कशेक हो जाएगा। थोड़ा डेकोरेशन और ये देखो अभी जाएगी ब्राउनी उसमें, आप लोगों के मुंह में पानी तो आ रहा होगा पक्का, ये सब कुछ देख के बाद में हम भी देखेंगे, हमें हमारे में मुंह में पानी आएगा। इतना सब डेकोरेशन करके दिया है ना, कैसे पी हमें भी समझ में नहीं आ रहा, पीना भी है खाना भी है, खाना भी है पीना भी है, अब ये तीसरा हाथ ढूंढो तुम ये पकड़ने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है हमें ये, और जो इन्होंने कहा जिनकी स्पेशलिटी है, ट्रूली ये स्पेशलिटी है, बहुत अच्छी टेस्ट है। सीरियसली गाइस ये मेरा बहुत ही जेन्युइन फीडबैक है, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मुझे, सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अभी हम आए हैं डोसा खाने के लिए, यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी ऑफ डोसा, डोसा डोसा खाने के लिए यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी ऑफ डोसाज आपको मिलेंगे, पिज्ज़ा डोसा है, जिनी डोसा है, स्प्रिंग डोसा है, देखते हो कौन सा खाना है। स्प्रिंग डोसा मतलब उसमें के स्प्रिंग डालेंगे? हाँ स्प्रिंग डालने का, उसके ऊपर बैठने का, फिर चले जाने का, ऐसे टंग टंग करके चले जाने का। ठीक है चलो कुछ मंगाते हैं अभी, चलो खाते हैं। जिनी डोसा, जिनी डोसा, जिनी डोसा, चलो डोसा, जिनी डोसा, डोसा ठूसा, चलो चलो अभी हम जिनी डोसा खाते। इतने बारिश के मौसम में इतने गर्मा गर्म डोसे खाने का मजा ही कुछ और है, राइट? लोगों को ना एक एक्चुअली डाउट है कि हम जगह पे भी जाते हैं ना, ये जिनी डोसा को जिनी डोसा ही क्यों बोलते हैं, इसे कुछ अलग क्यों नहीं बोलते, राइट? अलादीन डोसा ऐसे क्यों नहीं बोलते? तो आज हमने इनसे पूछेंगे कि आपने ये डोसे का नाम रखा क्यों ऐसे। ठीक है चलिए देखते हैं इनका क्या रिएक्शन आता है। चीज़ नहीं डालती ऊपर से आप? डालेंगे ना, हाँ मुझे लगा कि हमको फंसाया जा रहा है, चीज़ की जगह पत्ता गोभी डाली जा रही है, चीज़ भी है। इसको जिनी डोसा क्यों बोलते हैं? हाँ इसको जिनी डोसा क्यों बोलते हैं, इसका अलग नाम अलादीन डोसा क्यों नहीं है? डोसे ने खुद से अपना नाम रखा, वाह थैंक यू सो मच। अभी नीलाक्षी खाएगी उसका जीनी डोसा, इसे खा के नीलाक्षी की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। जीनी डोसा कैसा है? बहुत अच्छा है भैया, बहुत अच्छा है। और गाइज हमारा खाना पीना हो गया था, मुझे और नीलाक्षी हम दोनों को खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, सारे ही आइटम्स हमें बहुत अच्छे लगे, और अभी हम निकल गए थे वहाँ से। गाइज खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहलना होता है, बिकॉज इतना सब कुछ खाते हैं ना हम चैलेंज के चक्कर में,
तो पूरा फेस पे दिखता है सब कुछ, मतलब बहुत मोटे हो रहे हैं हम लोग। सो गाइस, आपको चैलेंज दिखाने के चक्कर में और व्लॉग के चक्कर में हम ऐसी ऐसी जगह पे जाते हैं खाना खाने कि हमारा वजन बढ़ रहा है, तो मेहनत भी उतनी करनी है बिकॉज वजन तो नहीं बढ़ा सकते हम, राइट? इसके लिए हम अभी थोड़ा कुछ चलेंगे और यस चलिए कुछ राउंड्स मारते हैं और वॉक करते थोड़ी देर। ज्यादा खाना खाने का ये नतीजा, ऐसे चलो अभी। ऐसे गार्डन बहुत बड़ा है, एक चक्कर में ही बहुत मतलब ये हो जाता है। यहाँ का जॉगिंग ट्रैक, कितने सारे लोग यहाँ पे टहलने के लिए आते हैं क्योंकि बहुत टहलना बहुत सही होता है हमारे। टहल तुमको एक मैं सवाल पूछता हूँ, चलो मुझे उस चीज का जवाब दो, तो सबसे अच्छा क्या लगा आज खाने में? मिल्कशेक। हाँ, मुझे भी मिल्कशेक बहुत अच्छा लगा गाइस। मिल्कशेक बहुत अच्छा, ब्राउनी मिल्कशेक, मतलब उन्होंने जो सजेस्ट किया हमें वो सच में अच्छा था। ये देखिए गाइस, सब ऐसे एक्सरसाइज करते हैं, वहाँ पे प्लेग्राउंड भी है बहुत अच्छा। सो सभी लोग, कितने लोग आते हैं देखिए चलने के लिए, ट्रैफिक जाम ना हो जाए क्या गाइस? ये देखो, इसको बोलते भूत, कोई चला ही नहीं रहा और वो चल रहा है अपने आप। कौन है नीलाक्षी? आपने भूत का साया है लगता है क्या था ये डेली सॉफ्ट रिएक्शन? ये देखो, क्या की भूत कैसे है? भूत कैसे पहिए घुमाते हैं? हाँ, उनको भी जिम करना होगा डेफिनेटली, वो भी खा खा के मोटे हो जाते। एंड फिर मैं नीलाक्षी को तारक मेहता का एक सीन दिखाने लगा एंड फिर जो मुझे और नीलाक्षी को लाफ्टर अटैक आया। गाइस, हम आधे घंटे के वॉक के बाद अभी बैठ गए हैं, बहुत टायरिंग हो रहा है, मतलब इतना हमने वॉक किया और बातें भी कर रहे थे ना, तो थोड़ी सी थकान हो रही है। अभी हम बैठ गए हैं, यहाँ पे बैठने की भी बहुत जगह है तो यहाँ पे अभी बैठे। तो गाइस, अभी हमारी वॉक हो गई है, हम जा रहे हैं घर। बहुत अच्छा लगा, इतना सब कुछ खाने के बाद ना हैवी फील होता है, तो यहाँ पे ऐसे वॉक किया तो अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी हम घर जाएंगे, मुझे बहुत नींद आ रही है, तब से हम ऐसे घूम रहे हैं। खाना खाने के बाद, बहुत ज़्यादा खाने के बाद नींद भी आती है। वो चला गया मुझे छोड़ के, देखो मैं हूँ यहाँ। ये व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। यस, हमें इतने दिन हो गए हैं, अभी तक नीलाक्षी को हमारा आउटरो ना लर्न नहीं हुआ है गाइस। एनीवेज, पर अभी इसको आउटरो हमको सिखाना पड़ेगा, लर्न करवाना पड़ेगा। हम आपसे मिलेंगे जल्द ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, बी कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच, बाय बाय।